मेम साहब आ जाएगा मजा, आज अपनी सारी हसरतें पूरी करूंगा। अब तो बेहोश हो चुके हो, आज तो दे दनादन दे दनादन दे दनादन मजा ले ही लेंगे हम। अरे जींस तो मैं भूली थी, देख टॉप था है जींस में भूली। रामू तू तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मेम साहब मैं खाना पूछ रहा था क्या बनाऊं। तो खाने के लिए पूछने आया था तो नॉक करके भी तो आ सकता था। वो तो अच्छा हो रहा कपड़े चेंज नहीं किए मैंने, जींस लेने जा रही थी। आज के बाद ना ध्यान रखा कर थोड़ा और देख के चला कर। ठीक है मेम साहब। रामू इधर भी साफ कर ले। ठीक है मैम साहब। रामू देख के नहीं चल सकता क्या तू? क्या हुआ मैम साहब? ये कैसे टच करके जा रहा है? अरे नहीं मैम साहब वो जगह थोड़ी भीड़ी है ना। और थोड़ा ना देख के चला कर, ध्यान ही पता नहीं क्या होता है इसका। ठीक है मैम साहब। मेम साहब कब तक तरसाओगे? अपनी पनाह में ले लो हमें। अरे हम तो मुरीद हो गए हैं आपके हुस्न के। रामू। हाँ जी मेम साहब। एक कप चाय पिला दे। अभी लाया मेम साहब। आज मौका मिला है मैम को अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय में कुछ मिलाकर पिला देता हूँ और अपनी सारी हवस आज मिटाऊंगा। अरे यार फोन चार्जिंग लगा लेती हूँ, चार्जर तो कमरे में भूल गई। ये राजू क्या मिला रहा मेरी चाय में? इसकी हरकत है ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इसको तो आज रंगे हाथ तो पकड़ना ही होगा। कोई नहीं, ये करना क्या चाहता है आखिर मेरे साथ? पहले आज इसी को चेक करती हूँ। राजू। जी मैम साहब। बनी नहीं चाय? हाँ बस बन गई मैम। चल ठीक है मैं कमरे में जा रही हूँ, वहीं ले आइयो। ले आया? हाँ ये लो मैम साहब। अच्छा राजू बिस्किट और ला दे। हाँ ठीक है मैम साहब। जा इसे क्या लगा कि सिर्फ यही तेज है? राजू आया मैम साहब। ले बस पी ली मैंने चाय। अरे मैम साहब मैं तो बिस्किट ले गया था आपके लिए इतने प्यार से। अरे रस ले आया तू, चल ले जा मैंने चाय तो पी ली अब। और मुझे ना बहुत नींद आ रही है ज़्यादा और सर भी बहुत भारी हो रहा है। एक काम करो मैम साहब। हाँ अपना आराम से रेस्ट कर। हाँ मैं लेट रही तू जा। हाँ ठीक है मैम साहब। साहब आ जाएगा मजा, आज अपनी सारी हसरतें पूरी करूंगा। अब तो बेहोश हो चुके हो, आज तो दे दनादन दे दनादन दे दनादन मजा ले ही लेंगे हम। तुझे क्या लगा कि मैं बेहोश हो गई हूं और जो तू मेरे साथ करना चाहता है वो आसानी से कर लेगा? शक तो ना मुझे तेरे पे बहुत टाइम से था। यूं टच करना, यूं बिना नॉक करे मुझे देखने की कोशिश करना, तुझे क्या लगा मैं तुझे नहीं जान पाऊंगी कि तू मेरी चाय में कुछ मिला के लाया? बेटा मैं चार्जर लेने गई थी ना तो मैंने तुझे देख लिया था कि
कि तू मेरी चाय में क्या मिला रहा है। और तुझे क्या लगा मैंने चाय पी ली? देख ये है वो चाय। नहीं नहीं मैम साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा मुझे गलतफहमी हुई है। ऐसा है निकल ले घर से। क्या नहीं करा तेरे लिए? तुझे ना मैंने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझा है। कभी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होनी। और तू मेरे साथ ये सब करना चाहता था। अभी आ रहे हैं तेरे साहब और पुलिस को भी मैंने फोन कर दिया है। और अच्छा ही होगा तू निकल जाए यहाँ से। मैम साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये ना करने से पहले सोचना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना तो तू कुछ भी कर सकता था मेरे साथ। नहीं मैम साहब प्लीज मुझे माफ कर दो। हर बार मैं सोचती हूँ कि नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, नहीं शायद हाथ लग गया होगा या वैसे ही नॉक करके नहीं आया होगा। लेकिन नहीं, हर बार ये गलती तो नहीं हो सकती और ना ही हर बार इत्तेफाक हो सकता। ऐसे निकल मेरी नजरों से, निकल जाए यहाँ से। आजकल इन नौकरों का भी कोई भरोसा नहीं है।